यहाँ तो लाइट दिखा रहा है,
वेब सीरीज वीडियो एल्बम एंड फिल्म ऑडिटोरियम में मौजूद सभी कलाकारों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021-22 वेलकम दो हज़ार 2020-21 और ये जो आज मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020-21 ये आपको लाइव देखने को मिलेगा www.cinestarentertainment.com पर। अभी ऑन एयर पर आप सभी को वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत। अब थोड़ी देर में इस इंटरनेशनल फेस्टिवल इनॉग्रेशन होने वाला है और आपकी उपस्थिति बहुत ही वंदनीय है।
राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव है। यह महोत्सव www.cinestar.entertainment.com या संकेतस्थळावरती पाहू शकता। सिनेस्टार एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण www.cinestarentertainment.com या संकेतस्थळावरती आपण थेट प्रक्षेपण पाहू शकता। www.cinestarentertainment.com बहुत ही आनंदमय वातावरण है। मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 और 21 में आप सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूँ। मराठवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या वतीने सर्व मान्यवरांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत स्वागत स्वागत। अगर आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम लाइव देखा जाए तो www.cinestarentertainment.com पर ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है। सभी इस 3 दिन के कार्यक्रम में जो फिल्में दिखाने वाले हैं या जो कार्यक्रम यहाँ होने वाला है वो लाइव ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जा रहा है। और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। पुढील 10 मिनिटात आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल।
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्वागत है। Shri Guru Nanak Mit Bhakarji, he is the secretary of Bharatiya Janata Party. Shri R. M. Tambe, he is the producer and principal. Thank you so much for coming, sir. Naresh Bidkar, producer and director. Mr. Jay Tari, technical head of MIF. Mr. Ramesh Pawarji, MIF supporter. Mr. Prem Chauhanji, MIF technician. Shri Kumar Vivire, sir, actor. Percy Pastanji, MIF supporter. Shri Mangesh Devke, sir, skit star organizer. Shri Saurabh Khan, supporter of MIF. Shri Pankaj Nanaji, actor and supporter. Shri Umi, स्वागत
वॉल्यूम करो ना, कॉन्टैक्ट लूज है। गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ संध्या। आए हुए सभी मेहमानों का, सभी फिल्म मेकर्स का, सभी कलाकारों का, सभी दोस्तों का, मैं मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म डायरेक्टर और फेस्टिवल डायरेक्टर इस नाते से आप सभी का तहे दिल से, बार बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी कारण मेहमानों को आने में देर हुई, आप लोगों ने संयम रखा, उसके लिए मैं अगेंस्ट आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रोग्राम की शुरुआत अपने जिन्हें मैं गुरु मानता हूं उनको सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं, श्री विकास कपूर जी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश फिल्म डिवीजन के उपाध्यक्ष मंत्री जी तरुण राघव जी, साथ ही साथ हमारे बहुत ही सीनियर प्रिंसिपल और प्रोड्यूसर श्री तांबे जी, इनको मैं मंच पर बुलाता हूं। साथ ही साथ मैं बीजेपी मुंबई सेक्रेटरी श्री गुरुनाथ जी को मंच पर बुलाता हूं। डीजे आशीष एस के, साथ ही हमारे मित्र श्री पंकज रैना जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मेरे मित्र कमल खिमिरे, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ हमारे कलाकार मित्र सबके चाहते गुलशन पांडे जी, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। पहले मैं अपने देवता गणेश जी का नाम पर नमन करके उनका नाम लेकर काम की शुरुआत करने जा रहा हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सर्वप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, आप सभी और सभी मेहमानों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे याद जरूर कीजिएगा और मुझे गलती बताइएगा, वही मेरा दोस्त रहेगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलित का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, उसके बाद आगे भी करें। बात करेंगे
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति हमारे देश की हमारी प्रथा है परंपरा है कि भगवान गणेश जी को याद करके हम अपने सभी कार्यों को आगे की तरफ आरंभ करते हैं। मैं मेरे मेहमानों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी सीट पर बैठे, हमारी गणेश वंदना के बाद हम आपका पुनः स्वागत करेंगे। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। रास्ते कठिन थे, इम्तिहान मुश्किल थे, लेकिन आप सबका प्यार था इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और ये कोई बात नहीं, ये हकीकत है, मुझे जानने वाले बेहतर जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिल्म फेस्टिवल है, हमारे फिल्म के कलाकार, फिल्म के जीने वाले, फिल्म के देखने वालों का ये प्रोग्राम है। फिल्म की बातें होगी, फिल्में दिखाई जाएगी। मैं सबसे पहले मेरे गुरुजी श्री विकास कपूर जी को मैं मंच पर इनवाइट करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि प्रोग्राम का आगाज करें दो शब्द कहें। शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय राज्य मंत्री श्री तरुण जी राठी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हम सबके निवेदन पे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच, इसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं सभी को मालूम है, और उस बीच यहाँ पे आना उनके लिए थोड़ा कठिन था, फिर भी आए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अनिल के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। 26 साल मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई आए हुए हो गए और मैंने लोगों के भीतर बहुत कुछ देखा, लेकिन इस बच्चे के अंदर, मैं बच्चा इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए बच्चे जैसा ही है ये, जो जज्बा, जो जुझारूपन मैंने देखा वो शायद आज तक किसी के भीतर नहीं देखा। मैंने इसकी यात्रा को देखा है, कहां से चला और कहां तक पहुंचा, कैसे इसने सीखा और कैसे इसकी लगन जो थी, वो लगन पहले दिन जब ये मुझसे मिला था, मेरे दोस्त थे रियाज खान, उनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई, और जब इससे मिला तो मेरे मुंह से पहली बात निकली कि तुम बहुत आगे जाओगे, और धीरे धीरे वो जो मेरी बात थी वो साकार होती जा रही है। मैं मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए हम लोग, मैं भी उसी इंडस्ट्री से हूं जिससे आप सब हैं, सिनेमा मूल रूप से है क्या? आज फेस्टिवल का दिन है और इस विषय पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि हम जिस विधा में काम कर रहे हैं उस विधा का सच क्या है। तो सच कहा जाए, मेरी दृष्टि में हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे सहमत ना हो, मेरी दृष्टि में सिनेमा एक छलावा है, एक झूठ है, और झूठ को हम कितना बड़ा सच बना दें, हम किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करें, किस तरीके से उसका नरेटिव सेट करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद कुछ लोगों को मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी। क्या आप में से कोई भी व्यक्ति, हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं और बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को मकड़ी काट ले और वो स्पाइडरमैन बन जाएगा, ये झूठ है कि नहीं? इस झूठ को निर्माता ने, लेखकों ने और एक्टर ने या उनके पूरे क्रू ने जिस तरीके से नरेटिव सेट किया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मकड़ी काट लेगी तो स्पाइडरमैन बन जाएगा, और लगातार उसकी सीरीज बनती है, तो मूल रूप से एक छलावे को, लेकिन अभी रियलिटी का दौर आ गया है, अभी सच्चे सिनेमा का दौर आ गया है, अभी ऑडियंस फिक्शन से भी ज्यादा पहले सच्चाई को देखना चाहती है, सच्ची कहानियों को देखना चाहती है, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं जानता हूं कि इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे विषय आए होंगे, मैं उत्सुक हूं उनको देखने के लिए। अगर अनिल मुझे इजाजत देगा तो मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर आकर फिल्में देखूंगा कि कैसे प्रयास हुए, और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम भाषणबाजी के नहीं होते हैं,
मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई मेरे गुरुजी से, गुरुजी है क्योंकि मैंने इनके प्रोडक्शन से अपनी जीवन की शुरुआत की थी। सही मायने में इन्होंने मुझे कई बार संभाला है, कई बार मुझे ब्रेक दिया है, इसलिए इनका जो आदर है वो मरते दम तक रहेगा, शब्द नहीं है सर। लेकिन आप आए और मेरा प्रोग्राम जो है सर, मैं सक्सेस हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, सभी मुझसे बड़े हैं तो बड़े भाई हुए, पंकज जी रैना जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ और उन्हें फिल्म और फेस्टिवल के लिए दो शब्द कहने की ख्वाहिश रखता हूँ। आए हुए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं भी एक छोटा सा इस फिल्म के सफर का एक यात्री हूँ और मेरी भी एक जर्नी रही है। और जितना भी हमने सिनेमा को देखा है, जैसे मैं अभी विकास जी ने कहा कि एक छलावा है और इससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ छलावा है जिसे हम पर्दे पर अपनी तरह से, सब अपनी अपनी तरह से उसे प्रस्तुत करते हैं और हम भी उसके एक यात्री हैं। कभी एक्टिंग करते हैं, कभी प्रोडक्शन करते हैं, कभी अपनी आवाज़ देते हैं, तो उस सफ़र के लिए हम रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जो फिल्म से प्रेरित ना हो, जो इस मीडियम से प्रेरित ना हो, जो फिल्मों में ना आना चाहता हो। कुछ बहुत काम करते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं और कुछ सुपर सक्सेसफुल होते हैं और वो उस यात्रा के बड़े बड़े सेनापति होते हैं। और हम लोगों को कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं, लेकिन सिनेमा अपनी जगह पे है और सिनेमा पूरी दुनिया सबसे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। हम कितने उसमें सक्सेसफुल होते हैं ये हमारा भाग्य और हमारी कोशिशें होती हैं। और आज के इस फेस्टिवल के लिए मैं अनिल शिल्पी जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो भारतीय सिने युग प्रोडक्शन अकेडमी की तरफ से प्रस्तुत हो रहा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपनी कोशिशें की हैं वो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए या फिल्में बनाने के लिए जो इस फेस्टिवल में कम्पीट होंगी, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और हमारे अनिल जी को बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि दो साल जो कोरोना के मुश्किल के दौर के रहे हैं, तब उससे पहले से शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, मैं उसका गवाह हूँ। लेकिन धीरे 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 क्योंकि कोरोना का समय था और ये हो नहीं पाया, इसीलिए ये 2020 बंद है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें भाग लें, फिल्में देखें और ये तय करें कि सबसे अच्छा किसने किया है, उसके बाद किसने किया। लेकिन सबकी अपनी अपनी कोशिशें हैं और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता, बिकॉज एक बहुत ही छोटा सा एक यात्री हूँ इस सफर का। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को छोटा कहने वाले अक्सर हम लोगों ने उनको बड़ा पाया है सर। प्लीज, मैं मेरे दोस्त हमारे गुरुनाथ जी सर को मैं मंच पर बुला रहा हूँ, दो शब्द सिनेमा के लिए कह रहा हूँ। मंच, सम्मानित मंच और यहाँ बैठे हुए फिल्म इंडस्ट्री के सभी भाइयों और बहनों और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सर्वप्रथम भारतीय सिनेयुग के युग का प्रोग्राम आयोजक अनिल जी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि ये आए। सबसे वो तो बोल रहे कि मैं बहुत का नीचे से आया और अभी तक इधर पहुँचा, इधर तक नहीं। अनिल जी आपको तो आगे बहुत लंबा तक जाना है मतलब, और हम आपके साथ में हैं हमेशा सर। मैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ट्रस्टी हूँ और पहले हमने फर्स्ट टाइम ऐसे चालू किया कि जो बैकस्टेज आर्टिस्ट हैं उनकी सहायता करना चालू किया। तो अनिल जी से मुझे निवेदन ऐसा करना है कि हम लोग भविष्य में
बैकस्टेज जो कलाकार है जो अभी कोरोना के काल में उनको बहुत हाँ हानि पहुंची और उनको जो कोरोना के काल में हमारे तरफ से दादा साहेब फाल्के ट्रस्ट की तरफ से बहुत मदद की है और भविष्य में अनिल जी अगर मेरे साथ में रहेंगे और मैं उनके साथ में रहूंगा तो हम लोग आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। इतना बात करके मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं मेरे बहुत ही हमारे बीच सीनियर और जिन्होंने मैं उनसे मैं प्रेरणा ली है कि आप कुछ नहीं है फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझो और बहुत कुछ करने के लिए निकल पड़ो। मैं तांबे सर जी को मंच पे बुलाता हूँ। तांबे सर एक बहुत ही लंबी जर्नी के सफारी है। मुझे उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, सिद्ध किस्सा एक हकीकत है। स्कूल जाने के लिए सर के पास फीस नहीं हुआ करती थी, कपड़े नहीं हुआ करते थे और मैं आपको आज गर्व के साथ ये कहने जा रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि तांबे जी आज 25 स्कूल के मालिक हैं और प्रिंसिपल है। कई नए जवान आज उनके आशीर्वाद से इस पूरे इंडिया में अपनी अपना एक ऊंचा मकान बनाए बैठे हुए हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हैं। यहाँ पे लोग जो जमा हुए हैं आप लोग को सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिंपी साहब ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया, निमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। यहाँ पे हमारा जो मराठवाड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है और आप लोग ने सब यहाँ पे सबको आपको बुलाया और आप लोग का भी यहाँ पे इसमें ही योगदान है कि ये शिप्पी साहब का ये इच्छा पूरा हो और हम उनको इतना ही यकीन दिलाता हूँ हम लोग आपके साथ में रहेंगे। आगे भी ऐसा ही आपका आपके हाथ से ऐसा काम होगा कि सब फिल्म वाले को और डायरेक्टर निर्माता और सब एक्टर लोग को ये सब प्रोत्साहन मिलेगा ऐसा मैं सोचता हूँ और इसके लिए मैं आज उनको सही में वंदन करने के लिए आया हूँ कि उनको उन्होंने हम लोग को सब ये तो औरंगाबाद में होने वाला था अब निकला भी था जाने के लिए लेकिन ऐसा प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आज बम्बई में एक प्रोग्राम होने जा रहा है इसके लिए आप लोग सब जगह यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं आप लोगों को भी सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं हमारे दोषियों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। फिल्मों का सिलसिला है लेकिन फिल्मों के बारे में जानने की और बातें करने की भी जरूरत है। मैं मेरे दोस्त गुलशन जी को मैं मंच पर कहूँगा, बहुत ही आपके चहेते कलाकार गुलशन पांडे जी। नमस्कार तरुण राठी जी, विकास कपूर सर, आप सबका धन्यवाद और जितने भी आए हैं यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हैं आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है सर, थैंक यू सो मच। इनके लिए इतना थैंकलेस काम है ये पुलिस मिलिट्री जितनी भी सेनाएं सेवाएं दे रहे हैं हम लोगों को जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, इनके लिए जितने भी शब्द तारीफ के किए जाए बहुत कम है। आप लोग आए सर, थैंक यू सो मच। और मैं अनिल शिप्पी जी को बधाई देता हूँ, इनको मेहनत करते हुए हम सबने देखा है जैसे सर ने बताया। ईश्वर से प्रार्थना है सर आप बहुत ऊंचाइयों पे जाए और ये फेस्टिवल यहाँ से शुरू हुआ है और ये बहुत ऊपर तक जाए सर, मेरी बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी फिल्में हैं जितने भी कलाकार बंधु हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, ऑल द बेस्ट। मैंने भी एक फिल्म में काम किया जो इसमें आप लोग देखेंगे, जय तारी जी हमारे डी ओ पी यहाँ बैठे, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए सर। और पंकज रैना जी एक बहुत सीनियर कलाकार हमारे बीच में और बैठे हुए हैं, बनवारी लाल झोल जी तो हम सब के बहुत ग्रैंड ग्रैंड सीनियर हैं, सिर्फ
जब दूरदर्शन था और कोई चैनल ही नहीं था, तब से वो हमारी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाएं। मानेंगे इस देश के सबसे बड़ा कलाकार है शायद। और थैंक यू सो मच सर, और आप सब आए और एंजॉय कीजिए और अपनी दुआएं अनिल जी के साथ साथ पूरी टीम को दीजिए जिनकी आप हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। मैं मेरे दोस्त नरेश जी बिल्डकर, बहुत ही यंग टैलेंटेड पर्सनालिटी, अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नरेश जी को मैं मंच पर बुलाता हूं। मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए जो सभी लोग आए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उपस्थित मंच के सभी आदरणीय लोग, अनिल जी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो तो सभी को पता है, सभी ने बताया 2 साल से स्टार्ट हुई है। हम लोग फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म हम जीते हैं। जैसे कि 2 सालों में कोरोना हो गया तो ऐसा लगता था कि एक सांस थम गई, लेकिन हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये माहौल फिर से शुरू होगा। और जब हम घर में बैठे थे, जो लोग हमें घर पे देखते थे वो आज बाहर आके हमें बड़े पर्दे पे देखेंगे, तो सिलसिला आज से शुरू हुआ मुझे ऐसा लगता है इस फेस्टिवल के दौरान। और ये फेस्टिवल का पहला साल है, मैं चाहूंगा कि ये सालों साल ऐसा ही चलता रहे और इसका नाम बहुत बड़ा हो। अनिल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जिन लोगों ने इस फिल्म में जिनको जिनको नंबर्स मिलेंगे उनको सबको बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले आगे के फेस्टिवल में भी वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। मेरे दोस्त कमल जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा 2 शब्द फेस्टिवल के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। त्यागी सर, थैंक यू फॉर कमिंग। नीरज जी, पंकज जी, सभी को धन्यवाद आने के लिए। जैसा सब लोगों के साथ हुआ, अनिल जी ने ये सफ़र 2 साल पहले शुरू किया था, हमने डिस्कस किया काफ़ी इस पर, और डिले होता गया और आज चलो ये शुरुआत हो गई। 3 दिन का फंक्शन है, आज फर्स्ट डे है, कल हम स्क्रीनिंग देखेंगे, परसों अवार्ड होगा। अच्छा लग रहा है, थोड़ा काम भी लग रहा है कि थोड़ा हम बिजी हो गए कुछ इस काम के साथ, तो थैंक यू वेरी मच। और सिनेमा, मैं तो इस इंडस्ट्री में बहुत नया हूँ, सारे सीनियर लोग हैं, मैं तो भी 4 साल भी नहीं हुए मुंबई आए हुए। इससे पहले मैं होटल इंडस्ट्री में था, मैंने ऑलमोस्ट 40 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया, और ब्रोइज ललित रॉयल पॉम्स का भी मैं जनरल मैनेजर था। तो ये इंडस्ट्री देखो मुझे कहाँ से कहाँ खींच के ले आई है। थिएटर किया करते थे हम, आम फ्रॉम आर्मी स्कूल, मैं मिलिट्री स्कूल से हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे ग्रैंड फादर आर्मी में थे, तो हम आर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक वो मैं आर्मी में नहीं गया, मिलिट्री स्कूल में नहीं गया, और फिर मिलिट्री स्कूल के आर्मी में नहीं गया, और होटल इंडस्ट्री में करने के बाद फिर घूम फिर के हम फिल्म इंडस्ट्री में आए, सेकेंड इनिंग खेल रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ, शिल्पी जी, और बहुत मजा है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ मुंबई में। सो आई लाइक टू थैंक मुंबई, एंड जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। थैंक यू। और एक मित्र जो हमारे फिल्म फेडरेशन है, फिल्म फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, मैं उन्हें मंच पर बुलाता हूँ और 2 शब्द सिनेमा के लिए, फेस्टिवल के लिए बोलने के लिए निवेदन करता हूँ। रंगमंचावर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मराठवाड़ा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हा दरवर्षी औरंगाबाद येथे होतो,
या वर्षी सिंपी साहेबांनी मुंबईकरांना आपकेकरांना हा फेस्टिवल कसा असतो हे दाखवण्यासाठी हा उपक्रम मुंबईत आणला आणि आम्हाला तो पाहण्याचा भाग्य लाभलं, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। आणि असेच फेस्टिवल करून चित्रपटाला नवीन दिग्दर्शकांना, नवीन कलावंतांना, नवीन निर्मात्यांना यासाठी संधी द्यावी आणि यातूनच नवीन कलाकार तयार होतात, नवीन दिग्दर्शक तयार होतात, नवीन चित्रपट तयार होतात आणि लोकांना एक चांगले चांगले विषय या माध्यमातून समजले जातात। फेस्टिवल भरवण्याचा सगळ्यात खरा मुख्य उद्देश हाच असतो की चित्रपटामध्ये तुम्हाला करमणूक दाखवली जाते, कमर्शियलपणा दाखवला जातो, पण असल्या फेस्टिवलमधून तुम्हाला समाजाचा जे प्रॉब्लेम आहे, लोकांमधले जे प्रॉब्लेम आहेत, धर्मामधले जे प्रॉब्लेम आहेत, जातीमध्ये जे प्रॉब्लेम आहे, हे सगळे प्रॉब्लेम जर आपल्याला पाहायला कुठे मिळत असतील तर ते शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलमधून बघायला मिळतात। म्हणून अशा प्रकारचे फेस्टिवल हे नेहमी होत राहत, यासाठी मी वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्युसर असोसिएशनतर्फे यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे उपस्थित सभी आप में से हर एक अपने आप में एक हस्ती है, अपने आप में एक कलाकार है। समय का अभाव है, मैं सभी को मंच पर नहीं बुला सकता। आप सभी को यहीं से मेरा फिर एक बार धन्यवाद। आप आए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बनाए रखे। मैं अपने फिल्म फेस्टिवल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बहुत दूर से हमारे एक मेहमान, हमारे विशेष अतिथि राठी जी, जो समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित है, सबसे पहले उनका स्वागत, उनका ऑनर करके हमारे इस फिल्म फेस्टिवल के स्क्रीनिंग प्रोग्रामिंग की शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश फिल्म डिवीजन उपाध्यक्ष श्री तरुण जी राठी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं विकास कपूर जी से निवेदन करता हूं कि वो तरुण जी का स्वागत करें, ऑनर करें। हमारे पूरे फेस्टिवल की तरफ से राठी जी का सम्मान हमें स्वीकार किया, हम नाम का धन्यवाद।
फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। हमारे सभी मेहमानों से मैं निवेदन करता हूं और राठी जी से निवेदन करूंगा कि एक मिनट मंच पर रहें, बाकी आप मेहमान अपने अपने सीट पर आसन ग्रहण करें। हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, आज कल और परसों। कल सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। तमाम फिल्म मेकर, तमाम कलाकार, तमाम मेहमान यहाँ पे आएंगे। सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फाइनल स्क्रीनिंग होगी और 5 बजे से 10 बजे तक अवार्ड फंक्शन। आप सभी का स्वागत समारोह और आप सभी के फिल्मों का रिजल्ट और आप सभी को जिन जो भी विजेता है उनको सम्मानित किया जाएगा। मेरे सभी दोस्तों का फिर एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद। शब्बीर भाई का धन्यवाद, अश्वाक भाई का धन्यवाद, तारी जी का धन्यवाद, पवार साहब का धन्यवाद, मंगेश देवी का धन्यवाद, नरेश जी का धन्यवाद, पैसी जी का धन्यवाद, रविंद्र जी का धन्यवाद, शिल्पी जी का धन्यवाद, हमारे भाई हैं बड़े उनका भी धन्यवाद, और सभी मैं शायद कुछ नाम रह गया हूँ, भूल गया हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन समय कम है, हमें फिल्में देखनी हैं, फिल्मों का स्टार्ट करना है। तो मैं राठी जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे इस फिल्म फेस्टिवल के पहली फिल्म का बटन दबा के इसका शुरुआत करें, उससे पहले सिनेमा और फेस्टिवल के लिए दो शब्द। श्री अनिल कुमार जी द्वारा आयोजित मराठवाड़ा फिल्म फेस्टिवल, मेरे प्रिय मित्र विकास जैन जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी फिल्म मेकर्स, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। अनिल कुमार जी का बहुत बहुत आभार कि इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे इन्होंने बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका दिया। मित्रों, यदि आप फिल्म मेकिंग की जर्नी देखेंगे इतने बड़े कलाकार थे कि वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत अच्छे नाटककार थे और बहुत अच्छे फिल्म मेकर बने। 1910 में वो एक पेंटिंग की कंपनी चलाते थे, उनके पार्टनर ने उनके पेंटिंग के बिजनेस से पीछे हट गए तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने एक 1911 में फिल्म देखी, ईसा मसीह के ऊपर इंग्लिश फिल्म थी, और 1912 में वो लंदन चले गए फिल्म मेकिंग का कोर्स करने। 1913 में आके उन्होंने एक फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो पहली फिल्म थी, हालांकि बाद में 2009 में उसके ऊपर एक मराठी फिल्म भी बनी है। और उन परिस्थितियों में उन्होंने फिल्म बनाई। आज इतना अच्छा माहौल है, आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई है, इंटरनेशनल हो गई है, इसलिए शायद मराठवाड़ा फिल्म फेस्टिवल को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन्होंने बोला है, क्योंकि आज जो भी यहाँ फिल्म की मेकिंग हो रही है, जो शॉर्ट फिल्मों की मेकिंग हो रही है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो रही है। आप सब लोग इतने अच्छे दौर में हो, आप सब लोगों को इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिली है, इतना अच्छा काम करने का मौका मिला है, तो आप सबसे मेरी यही आग्रह है कि जो भी करना कन्विक्शन के साथ करना। जैसे कि विकास जी ने बताया कि एक छलावा बनाया, पर वो इतने कन्विक्शन के साथ बनाया कि जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो बिल्कुल रियल दिखाई देता है, हम कनेक्ट होते हैं। तो जो करना इतने ही कन्विक्शन के साथ करना। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश फिल्मों का बहुत दौर था, इंग्लिश फिल्मों का कॉपी पेस्ट किया जाता था, चोरी से बनाने की कोशिश की गई, फिर साउथ की फिल्मों का बनाया गया, लेकिन आज मजबूरी हो गई है ये फिल्में बनाना, आज ओरिजिनल कंटेंट बनाना मजबूरी हो गई है, क्योंकि साउथ की फिल्में भी यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल हो गई,
इंटरनेशनल सारी फिल्में अभी मैक्सिमम अवेलेबल हो गई है, तो अभी एक तो रियलिस्टिक फिल्में बनाना हमारी मजबूरी भी हो गई है और इसीलिए ऑडियंस की होश भी हो गई है। तो अब इतने अच्छे दौर में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोगों को फिल्म मेकिंग करने का मौका मिला है, तो आप बढ़िया फिल्म मेकिंग करें, अच्छी सुंदर फिल्में बनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में बनाएं और उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करें। आप आगे आपको कोई भी कॉपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अनिल जी को बात कर सकते हैं, विकास जी को बात कर सकते हैं। अगर आप फीचर फिल्म बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे 3.5 से 4 करोड़ की सब्सिडी देती है उत्तर प्रदेश सरकार, वो फिल्म और आपको सिर्फ फिल्म बंधु में जाके अपनी एप्लीकेशन देनी है। बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है हमारा, बहुत कोई किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना है फिल्मों के नहीं, बल्कि वैसे तो योगी सरकार और मोदी सरकार में किसी भी चीज के लिए ऑलमोस्ट सिंगल विंडो क्लीयरेंस हो रही है, कहीं पे भी करप्शन बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो आप लोग फिल्में बनाए, उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाए, कोई लोकेशन आपको चाहिए हो, कुछ भी जरूरत हो आपको, कोई परमिशन चाहिए हो, सब सिंगल विंडो है। अनिल जी को बात करें, विकास जी को बात करें, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे फिल्म स्क्रीनिंग की शुरुआत एक क्लिक से करें और आप सभी, मैं घोषित करता हूं कि आज से हमारा फिल्म फेस्टिवल शुरुआत हुई है। 3 दिन का ये प्रोग्राम आप सबके आशीर्वाद से होगा, जिसके लिए आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे सभी दोस्त, बिल्कुल हमारे डिल्लू जैसा है ना। अब वो हमारा डिल्लू है। विद्या जल्दी करो, रोज की तरह स्कूल के लिए देर हो रही है यार। अरे आ गई ना, आ गई आ गई। छोटी देर हो रही है बाबा। चलो चलो ये रहा बैग और ये रही वाटर बॉटल। हाँ ठीक है। आओ एक मिनट रुकिए ना। आई को बाय करो। बाय। चलो डिल्लू स्कूल के लिए देर। अरे आपने क्यों बनाई, मैं ही बना देती। कभी कभी मेरे हाथ से भी पी लिया करो। आओ साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। कहाँ एरोप्लेन घर लाने की जिद करने वाला हमारा नन्हा सा डिल्लू, और उसी एरोप्लेन में बिठाकर हमने उसे दूर देश भेज दिया। हापी तो भेजना चाहते थे उसे।
आप सभी को यहाँ पर फेस्टिवल में देखने मिलेंगे। सबका आनंद लीजिए। समय का अभाव है, समय में बहुत मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। विकास जी और राठी जी को 2 मिनट के लिए मंच पर बुलाऊंगा। हमारे पुलिस मित्र उनसे रूबरू होना चाहते हैं और हमारे कलाकार पांडे जी स्टेज पर आए, वो आपका क्योंकि आप जो भूमिका से आप टीवी पे खाए हुए आप सबके चेहरे। जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पे, तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है और मंत्री जी को कहीं और भी जाना है, इसलिए उन्होंने इजाजत दी है। फिल्मों का सिलसिला है, फिल्म फेस्टिवल है, फिल्में देखेंगे। उपस्थित सभी सिनेमा के प्रेमी, सिनेमा के कर्मी, सिनेमा अभी जो अपने फिल्म देखी खाली से, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं। हम इस फेस्टिवल का मकसद यही है, जो नए कलाकार हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, उनको एक स्टेज मिले। तो मैं अभी जो अपने फिल्म देखी थी खाली से, वो फिल्म के डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद है, तो मैं जगजीवनराम पासिंग से विनती करूंगा कि वो फिल्म के बारे में दो शब्द हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि वो बनाने के पहले बनाने का आपका मकसद क्या था। जो भी शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं, जो भी फीचर फिल्म मेकर्स हैं, हम हर शॉर्ट फिल्म मेकर से एक गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद अगर आप यहाँ पे मौजूद है तो आपकी जो भी जर्नी रही होगी, एक 2 मिनट में आपकी जर्नी का फिल्म के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता सकते हैं। क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं, नॉर्मली हम बहुत सारे कमर्शियल फिल्में देखते हैं, कमर्शियल फिल्मों के अलावा जब हम किसी भी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देखते हैं तो हमारा मानना है कि फिल्म फेस्टिवल बेहतरीन फिल्म देखी वहीं से, उसके डायरेक्टर जगजीवन राम पासी जी हमारे बीच मौजूद है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ थोड़ा अपने फिल्म के बारे में बोल सकते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अनिल सिंधी जी और मराठवाड़ा फिल्म फेस्टिवल को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मंच दिया। पैसे फिल्म जो हमने सोचा करने के लिए, एक्चुअली कहीं बाहर से आई हुई चीज़ ऐसी नहीं थी, अपने मतलब घर घर में देखते हैं चीज़ें हो रही हैं और
बहुत ही मतलब हर घर की एक कहानी है सब तो, और ये सच कहानी किसी मतलब जो हमारे जुड़े हुए थे इस प्रोडक्शन से, उनकी एक अपनी खुद की घर की कहानी है, तो उन्होंने इस बात को रखा। फिर हमने मतलब थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन किया इसे और इस चीज़ को रखने की कोशिश की। बस मैं यही चाहूँगा इस फिल्म के माध्यम से कि माँ बाप जो बच्चों के प्रति एक उम्मीद रखते हैं कि उनका वारिस, उनका बेटा जो उनके संस्कार और विरासत को लेकर आगे बढ़ेगा भविष्य में, उनकी उंगलियां थामेगा बुढ़ापे में, तो उनकी उम्मीदों पे पानी ना फेरे और उनकी उम्मीदों के साथ न्याय करे, यही उद्देश्य है हमारा। और मैं खुद भी चाहूँगा कि मैं उस चीज़ को मैं खुद अपने आप में ढालूँ और मैं खुद वैसा बनूँ, मैं उतना काबिल बनूँ कि न्याय कर सकूँ अपने माँ बाप के साथ। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, फिर मैं आप लोगों ने देख लिया है और मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का। आप सभी लोगों ने दो शब्द मेरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी बेहतरीन फिल्में एक्चुअली एक फिल्मेकर होने के नाते और एक फेस्टिवल का हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अवार्ड मिलना नहीं मिलना ये तो खैर अलग बात है, क्योंकि कंपटीशन है तो जहाँ पे मार्किंग होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती होगी। तो अगर आपको यहाँ पे अवार्ड नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं हैं, क्योंकि जितने लोगों को अवार्ड देना है उसका कुछ लिमिटेशंस है और कुछ लिमिटेड लोगों को ही दिया जाता है। बट आज आपकी फिल्म यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, आपने कोई फिल्म बनाने का सोचना, सोचने के बाद इसको आप वास्तविकता में लाना और आज किसी फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म भेजना, इसी में ही आप जीत चुके हैं। तो इसके बाद अगली फिल्म हम लेकर आ रहे हैं, मिशन इज टू सेव गर्ल चाइल्ड, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। Right now is not an ordinary birthday party which is going on, but celebration of girl child's birth at Medicare Hospital Foundation in Harappar area of Pune city in the western state of Maharashtra. The message is loud and clear: celebrate and not
mourn birth of a girl child. For past 4 years since the birth of her son, Subhadra Kadule has been yearning for a daughter. Her prayers have been finally heard as she has been blessed with a baby girl. And now she is able to control her emotions. मतलब जब तक इसका जन्म नहीं हुआ था तब तक मुझे मैं हमेशा रोती थी कि मुझे लड़की चाहिए और जब 7वां महीना मेरा कंप्लीट हो चुका और 8वें महीने में थोड़ा सा बेटी की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास आए मतलब सर गणित सर के पास आए तो उन्होंने हमें पूरा सर 2 महीना ट्रीट किया और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया था तब हम उनके पास आए थे सीजर के टाइम पर उन्होंने मुझे मेरा पीपी पूरा 80% हो गया था लेकिन जब मेरी बेटा की तो उसने मेरे पूरा सब मेरे मन पसंद था घर में और इतना मुझे उन्होंने बहुत बहुत पता लगी थी तो बोलते थे टेंशन रख बेबी के लिए अच्छा नहीं है अभी बेबी हुआ है अभी 5 दिन का है मैं कितनी खुश होगी मुझे कुछ कुछ भी नहीं चाहिए थैंक यू सर बेटी का जन्म जब होता है ना हर माँ बाप के लिए खुशी रहती है लेकिन बेटी जन्म जब होता है तो घर में लक्ष्मी भी आती है और खुशियाँ इतनी आती है कि पूरे जिंदगी भर वो रहती है तो इसलिए बेटी को बचाओ पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा ये जो भ्रूण हत्या होती है जो बच्ची है उसका जन्म होने से पहले हत्या हो जाता है माँ बाप लड़के की प्रार्थना कर देते हैं आज आप इतने भावुक हैं आपके घर में बेटी है ये तो आप क्या संदेश इसका क्या मानते हैं क्या इसका बेटी का क्या इम्पोर्टेंस दोनों बराबर है लेकिन सबसे मेरे ख्याल से जो लड़की घर में खुशियाँ लाती है वो दोनों घर में लाती है मायके में भी और ससुराल में भी ऐसा नहीं कि वो एक ही घर का ख्याल रखती है वो दोनों घर के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है इसलिए हर हर लोगों ने बेटी को इतना मान और सम्मान देना चाहिए कि वो उसको लगना नहीं चाहिए कि मैं बेटी हूँ वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए नमस्ते मेरा नाम कुमुद करुले है मैं मांदरी पूना में रहता हूँ घट स्थापना के दिन पे मुझे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है हमारे घर में और मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर गणेश जी राग सर के हॉस्पिटल में मेरे बेटी का जन्म हुआ मुझे तो बेटी चाहिए थी मुझे पहले 4 साल का बेटा है लेकिन हम पिछले 9 महीने इतने चिंतित थे कि हमको क्या होगा ये बहुत ही एक्साइटमेंट था कि हम गॉड को प्रे कर रहे थे कि हमें बेटी ही होनी चाहिए बेटी जब डिलीवरी को मेरी वाइफ को अंदर लिया उसको बेन हुआ था तब मैं गौर से प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि मुझे बेटी हो बेटी हो मैं खुद को बहुत शिवान समझता हूँ कि मुझे बेटी हुई क्योंकि वो सर जो काम कर रहे हैं सर ने हमको पूरा का पूरा फीस जो है वो माफ कर दिया क्योंकि उनका कार्य ऐसा है कि वो बेटी होने पर अपने हॉस्पिटल का कोई भी बिल लेते नहीं है और मैं सबको ये प्रेरित करना चाहूंगा कि बेटी के जन्म पर सबने खुशी मनानी चाहिए मैं तो जब मुझे न्यूज दी उनके असिस्टेंट डॉक्टर ने तो मैं खुशी से चिल्ला उठा था नाच रहा हॉस्पिटल में इतना खुश मैं हुआ था और मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि बेटी को अपनाओ और बेटी के आने पर खुशी मनाओ टू एंड हाफ इयर्स अगो जय श्री गांव डिलीवर डॉक्टर एट मेडिकेयर हॉस्पिटल फाउंडेशन The birth of this girl child was not only celebrated by the hospital staff, but also by her parents and in-laws alike. सोसायटी
तुम्ही मुलीचं आई आहे, एक मुलीचं आई आहे, तुमचा काय संदेश आहे सोसायटीसाठी? Founder of Medicare Hospital Foundation, Dr. Ganesh Rak, decided to waive off hospital fees completely after he found that parents of newborn daughters, while expressed inability to pay hospital fees, splurged money whenever a baby boy was born. According to him, the main reason for parents not wanting a girl child is concern for its safety. Even the police accepts that more steps are required to ensure safety of girls and women. But for that, the entire society has to honor women. Many congratulations for the wonderful work that you are doing by waiving off fees of girl child delivery at your clinic and even celebrating their birth. So what drives you, what is the motivation behind taking this kind of initiative? Good afternoon, sir. हमारे ये बेटी बच्चों जो आंदोलन को 10 साल हुए और इसके पीछे जो मोटिवेशन था कि जो 10 साल पहले हम देख रहे थे वो लड़का होने के बाद कुछ मदद कर दे लड़की होने के बाद time that we take this message home and tell everybody to stop human fetishizing. This is Shashwat Dikpare for Uncovering India. Thank you. Hello. Ready? Dosto, film hoga silsila chalta rahega. हमारे एक मित्र, हमारे एक दोस्त प्रफुल्ल जी, उनका एक परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं प्रफुल्ल जी को मंच पर बुलाता हूँ। डॉक्टर प्रफुल्ल, Thank you.
आपने देखा ऐसे ऐसे फनकार कलाकार हमारे इंडस्ट्री में हैं। मैं प्रफुल्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका एक गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करना चाहता हूँ। जय देव स्वामी समर्थ मालूतम चरणी मधुरी मम व्यर्थ मालूतम चरणी मधुरी मम व्यर्थ
अभी हमारे एक बहुत ही दूर से आए हुए कलाकार हैं, आप उनका एक नृत्य देख के उसका आनंद लीजिए। फिल्में दिखाई जाएगी।
हम जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है और इसलिए हमारी अगली फिल्म है देख सकते हैं। शाम को 6 बजे ऑन टाइम पे पहुंच जाना, ओके? I don't like those people जो कि लेट होते। लेट तो हो गया हूँ। Good morning, please sit down. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सत्यम व्रत। क्या? That's like good students. सत्यम वद सत्यम वद सत्यम वद सच बोलो। क्या है मतलब? यस मैम। क्या पर बात क्या है? क्या सभी बच्चे आए हैं? जी जी सभी बच्चे आए हैं पर बात क्या है मैम? हमारे स्कूल के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड। उसका नाम क्या है? ओ सारे बच्चे आए हुए हैं। क्या सब बच्चे आए हुए हैं क्या? Then who's missing? हमारा स्कूल नहीं आया है। Oh my God. अमर is missing? बच्चा लोग आप सत्यम व्रत के बारे में पढ़ के आइएगा, अध्ययन करके आइएगा। इसका मतलब है सदा सच बोलो, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। मैं बच्चों को पढ़ाता तो सत्यव्रत हूं पर खुद रोज छोटे छोटे झूठ बोलता हूं, कितने शर्म की बात है। दादाजी सत्यव्रत यानी? दादाजी बोलो ना सत्यव्रत यानी? तेरी माँ को जाकर पूछ, उसको कुछ ज्यादा ही पता है। आदर्श तूने होमवर्क किया क्या? माँ सत्यव्रत यानी? सत्यव्रत यानी सदा सच बोलो। बस पानी
अभी हमारे स्क्रीनिंग की आखिरी फिल्म एक देव नहीं देवरत, इस फिल्म से हम स्क्रीनिंग की समाप्ति करेंगे। और उससे पहले प्रीति जी, ये जो गाना था, ये जो लिरिक्स था, ये भी प्रीति जी का था। वाह बहुत अच्छे। हमारी अभी इस आज के दिन की हमारी आखिरी फिल्म, उसके बाद मैं आप सबसे विदा जाऊंगा और कल आपको इनवाइट करता हूं देव नहीं देवरत। तू माझी, मी तुझा, मग आपल्याला कोणाची भीती? का ग सायकल बाई, का बिघडली? माझं काही चुकलं का? सुरुवातीला तू इतकी नाटक करत होता ना, गया करावं लागलं तेव्हा कुठे त्याने तो घेतला? तू लेट केलास ना, मग एक दिवसच लेट झाला। हो पण आता नेक्स्ट टाइम लक्षात ठेव, अजिबात लेट करू नको। अगं नको, नक्की हो नक्कीच आहे। आणि कसा रोजचाच रोड आहे, आणि जास्त लेट नाही, एक तास लेट झाला मी जाईन। काय दादा सांग, हॅलो चिंतामणराव, कसं झालं लग्न मुलीचं? हॅलो, हा पोलीस, हो हो लोकेशन पाठवलंय सिंहगड रोडच, या या आय एम वेटिंग। हो हो इमिजिएटली आहे, नाही नाही व्हॅन घेऊन या, सात आठ जण आहे। अरे पोलीस आहेत पोलीस, हो दंडुके पण घेऊन या। चला भला कळली, डोंट टेक टेन्शन, सी यू टुमारो। रात्र झाली, दुकानं बंद झाली। देवा तू देवाला नाहीस, सगळीकडे आहेस रे बाबा। थँक गॉड। तो आप सभी ने आज जो भी देखा है, इसमें से आज का ये आखिरी फिल्म थी। इस तरह की कई अनमोल कलाकृति आपको कल देखने मिलेगी। कई लोगों ने बहुत मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं और बहुत सुंदर, कम शब्दों में बहुत कुछ कहने वाली फिल्में आपको यहाँ देखने मिलेगी। आप सभी का कल सुबह 12 बजे से लेकर 8 बजे तक स्वागत है। परसों के दिन सोमवार को स्क्रीनिंग सुबह से और शाम को अवार्ड फंक्शन होगा। मैं
इसी के साथ आप सब से विदा लेता हूं और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद फिर से। थैंक यू वेरी मच। आज मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 और 21 के इस मराठवाड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल में आप सभी माननीय उपस्थित रहे, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और आज पूरे दिन का जो टेलीकास्ट रहा है वो सीनियर स्टार एंटरटेनमेंट www.starentertainment.com पर लाइव था और आशा करते हैं कि कल भी आप इस फेस्टिवल में आएंगे और चार चार लगाएंगे। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हेलो, आइए हमारे जितने भी सहकर्मी हमारे फेस्टिवल के हमारे जितने भी जो लोग साथी हैं उनके साथ एक आज की यादगार एक फोटो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे लिए आपने बहुत आज अमूल्य काम किया है, इसके लिए मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने हमारे लिए बहुत अमूल्य काम किया है। आप जय गारी जी, मैं चाहता हूँ कि आप उनको उनका यहाँ पे दे करके उनका मान सकें। तो आज आपने देख लिया कि मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये पहला दिन था और बहुत ही माननीय यहाँ आकर आपने प्रेजेंस दे गए और बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स और गानों को हमने यहाँ देखा है और आशा करते हैं कि कल आप ज़रूर सीने स्टार एंटरटेनमेंट के लाइव चैनल पर कल प्रेजेंट रहिए, क्योंकि कल बहुत प्यारी प्यारी फिल्में और शॉर्ट फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। आप अभी तक इस चैनल पर उपस्थित रहे इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद क्या मैडम देखना पहले पण आम्हाला बरेच शेवटचं तेज करणार होतो।